बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस, इस्लामियात, फिफ्थ क्लास। सबक का नाम है जुम्मा ईदैन। सबसे पहले इमला के अल्फाज करेंगे। इज्तमाही मकसद, खुशगवार, हमदर्दी, नज़्म व ज़ब्त, शरई खामोशी, वाजिया। स्टूडेंट्स, जुम्मा ईदैन सबक 22 पेज नंबर पर है। सबसे पहले हम इसके सवालों के जवाब करेंगे। सवाल नंबर एक है, इज्तमाही इबादत का क्या मकसद है? इसके जवाब को पहले से ही मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इज्तमाही इबादत का मकसद ये है कि मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहें, इन्हें एक दूसरे के मसाइल का इलम हो सके, बाहमी ताल्लुक खुशगवार हो, आपस में हमदर्दी और मोहब्बत पैदा हो। इस्लाम की तमाम इबादात से नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है। ये जहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ तक इसका आंसर है। सवाल नंबर दो है, नमाज जुमा का तारुफ लिखें। इसका आंसर है, जुमा की नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। नमाज जुमा शरई उज़र के बगैर तर्क नहीं की जा सकती। नमाज जुमा जहर के वक्त बाजमात अदा की जाती है। नमाज जुमा में दो अजानें दी जाती हैं। दूसरी अजान के बाद इमाम दो खुतबे पढ़ता है, जिनमें अल्लाह ताला की बड़ाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात, नेकी, भलाई और आपस के अच्छे ताल्लुकात का दर्स दिया जाता है। सवाल नंबर तीन है, नमाज जुमा के चंद आदाब बयान करें। सवाल नंबर तीन का आंसर है, नमाज जुमा के लिए नहाकर, साफ कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर मस्जिद में जाना चाहिए। नमाज जुमा के लिए मस्जिद में जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि जो शख्स सबसे पहले मस्जिद में नमाज जुमा के लिए जाता है, उसे ऊँट की कुर्बानी के बराबर सवाब मिलता है। नमाज जुमा से कबल इमाम खुतबा देता है, इस खुतबा को तवज्जो और खामोशी से सुनना ज़रूरी है। सवाल नंबर चार है, ईदैन की माशरती अहमियत तहरीर करें। इसका जवाब है, नमाज ईद के बाद सारे मुसलमान एक दूसरे से मुसाफा करते और गले मिलते हैं, हर किस्म की नफ़रतों और रंजिशों को ख़त्म कर देते हैं। इस अमल से मुस्लिम माशरे में मोहब्बत और उल्फत का इजहार होता है। ईद की नमाज के लिए बड़े बड़े इज्तमात होते हैं, ताकि मुसलमानों की कुव्वत, इत्तफाक और इत्तेहाद का इजहार हो। ईद के मौके पर सब बच्चे, मर्द, ख़वातीन और बूढ़े नया लिबास पहनते हैं। अल्लाह ताला ने माशरे के हर फर्द के लिए खुशियाँ रखी हैं। सवाल नंबर चार है, यहाँ पर ईदैन के चंद आदाब लिखें। इसका आंसर है, ईद की नमाज के लिए नहा धोकर साफ़ और नए कपड़े पहनना और खुशबू लगाना सुन्नत है। ईदगाह की तरफ जाने और वापसी के लिए अलग अलग रास्ते इख्तियार किए जाते हैं। ईद की नमाज में दो रकतें होती हैं और इसमें आम नमाज से कुछ ज़ायद तकबीरें अदा की जाती हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, ये MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम्स हैं, ये आपने अपनी बुक के ऊपर लाजमी करने हैं।